नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना संक्रमण के 7,145 नए मामले आए सामने। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 84,000 हुई। भालू ने किसान पर किया हमला, बैलों को पिला रहा था पानी। ओबीसी सीटों पर 18 जनवरी को होगा मतदान, ओपन वर्क से चुनाव कराने आयोग का आदेश। आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव, पुरोहित सोहोनी में कड़ी टक्कर। सिटी के 14 पीआई का ट्रांसफर, शुक्रवार को पुलिस निरीक्षकों की ट्रांसफर लिस्ट जारी। विदर्भ में तापमान हो रहा कम, बढ़ती जा रही ठंड। बीआरपी ट्रेडर्स से जब्त की 34 लाख की सुपारी, क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, एफडीए को सौंपा। पाटोड़ी वालों पर फिर गिरी गाज, नेहरू नगर जोन में कार्रवाई। और 2 वर्ष तक नए इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, एआईसीटी अध्यक्ष सहस्त्रबुद्धि ने दी जानकारी। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव का शानदार शुभारंभ, सुखविंदर सिंह ने संजय दत्त को दी जादू की झप्पी। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।